लिमिटेड सोर्स में, लिमिटेड बजट के अंदर उन्होंने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को अरेंज किया हुआ था आज से 4 साल पहले। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि पहले किसी भी इंस्टीट्यूट ने ये स्टेप नहीं लिया था, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी ही में ये स्टार्ट हुआ। लेकिन उससे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज से जब मैंने ग्रेजुएशन किया, सही तो वहाँ से मैंने, मुझे इनिशियली वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ पे ऑडिटोरियम के ऊपर एक सोसाइटी बनी हुई थी, म्यूज़िक हाँ सोसाइटी, फरानी साहब उसके सही, इंचार्ज उसका इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा था। लेकिन 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 आप अभी थे। कहने के वेस्टर्न म्यूजिक का भी आपने गाया, लेकिन आपने जो नुसरत फतेह अली खान साहब जी के और जी ये बिल्कुल सब जो गाने आपने गाए बिल्कुल हुए, असल में तो उसकी वजह से हम सबको पता है। डेफिनेटली, और मैं चाहती हूँ कि आप हमें कोई ज़बरदस्त सा गाना जो है यहाँ पे हमें सुनाएं। क्यों नहीं तो कौन से सॉन्ग सुनाएंगे? जी। वैसे गाइस हमारे साथ इनके कुछ म्यूजिशियंस भी हैं जो कि अभी कैमरे के उस तरफ बैठे हुए हैं, जो कि हमारा बिल्कुल साथ देंगे जब ये गाना गाएंगे, तो साथ साथ वो भी म्यूजिक प्ले करेंगे, तो हम एंजॉय करेंगे। और कौन सा सुनाएंगे हमें सॉन्ग? जी तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। ठीक है, फिर हो जाए फिर। जाने खुदा मेरे माते सिवा कौन कदे ना हो वी जुदा थोड़ी ना साथ जानिया सीरियसली म्यूजिक के साथ मैंने यहाँ पे किसी सिंगर से गाना सुना, और बहुत अच्छा आपने गाया है, नो डाउट बहुत अच्छा गाया। और साथ साथ गाते हुए जो ये साथ साथ परफॉर्मेंस वाला सीन था ना, इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी मैं कि जब आप परफॉर्म करते हैं लाइव, जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो व्हाट डू थिंक कि कॉल आ गई है? कॉल आ गई, पहले कॉलर से बात कर लूँ। अच्छा ठीक है, मैं इतनी बना के क्वेश्चन कर रही होती, बीच में कॉल आ जाती है। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? प्लीज टीवी का वॉल्यूम ऐसा कर दें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं हफ्जा बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। हफ्जा, प्लीज टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा ऐसा कर लें। एक मिनट है। हाँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम किसी ऐसे कॉल की है, और मैंने आपका नंबर काफी दफा ट्राई किया लेकिन कॉल नहीं मिली। आज मिल गई ना, देखो आज ही लिखा था। शुक्र है कि जी कॉल मिल गई। मैंने रिक्वेस्ट करनी थी
हाँ बोलिए। एक गाने की, वो एक गाना, उसके सिंगर का नाम मुझे नहीं आता, लेकिन वो गाना है और यहाँ लम्बिया जो दाइया हैं जो मुक गए ना सारे। ठीक है ठीक है, प्लीज आप अपने इसी शो में प्ले कर देंगे। हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास अभी हुआ तो हम ज़रूर प्ले करेंगे, वरना अदरवाइज हम अपने आगे आने वाले किसी कल या परसों के प्रोग्राम में ज़रूर इंक्लूड कर देंगे। अभी अच्छा, बताओ, मैंने मैसेज देना था अपनी अम्मी अम्मी वगैरह को सबको कि मेरी तरफ से सबको सलाम। अच्छा, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच हफ्सा, बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी अंकल को आपकी तरफ से भी सलाम और मेरी तरफ से भी सलाम, थैंक यू सो मच हफ्सा। वेल, अभी मैं जैसे कि आपसे बात कर रही थी कि परफॉर्मेंस जब कर रहे होते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, एक सिंगर को सिर्फ खाली सिंगर होना जरूरी होता है या फिर अच्छा परफॉर्मर भी होना चाहिए? अच्छा परफॉर्मर भी होना चाहिए। और हाउ डज इट हेल्प, किस तरह से हेल्प करता है आपको, क्राउड से क्या एनर्जी मिलती है या अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या होता है? डेफिनेटली अपनी एनर्जी जो ना वो आप आगे डिलीवर कर रहे हैं, तो वो जो क्राउड है ना, बेसिकली जब हम गा रहे होते हैं तो हम लोगों के चेहरे हमारे सामने होते हैं, तो उनको हमने अपने कंट्रोल में रखना होता है, ये हम पे होता है। तो मैंने हैंडल किया 4-4 लाख के क्राउड में भी, इंडिया में मैंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान में भी मैंने बहुत, लेकिन इतना क्राउड तो नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस दी है मैंने यहाँ पे और फिर आउट ऑफ कंट्री भी। तो ये एग्जैजरेट करना होता है, हमने खुद से करना होता है, आर्टिस्ट ने। आई एम सो सॉरी कि मुझे बीच में से कट करना पड़ता है कभी कभार बातों को, क्योंकि मुझे साथ साथ ब्रेक पे जाना भी होता है। हम इस पर जरूर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जा रहे हम छोटी सी ब्रेक पे, आप लोग हमें कॉल करते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए।